वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, ऐसे साथी जो एसएनएस से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान सरकार वित्त विभाग कोष एवं लेखा विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन कल यानी 21/3/2023 को जारी किया गया था, जिसमें समस्त विभाग एसएनएस खाताधारक विभाग को ये नोटिस या लेटर जारी किया गया था। वित्त विभाग का जो आदेश है इसका विषय था कि मार्च 2023 के दौरान योजना संचालन पोर्टल से केंद्रीय परिवर्तित स्कीमों के भुगतान समव्यवहारों और अंक मिलान से संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के संबंध में, और इसमें लिखा हुआ था कि महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का अंतिम माह चल रहा है, केंद्रीय परिवर्तित स्कीमों के भुगतान व्यवहार समव्यवहारों और योजना अंतर्गत रिलीज एवं व्यय से अंक मिलान हेतु निम्नांकित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधीनस्थ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज IAs को भी प्रदान करावें। IAs का मतलब जो भी, जैसे आप विद्यालय स्तर पर बिल बना रहे हो तो आपकी जो है वो IA है। अब क्या क्या निर्देश है? पहला है कि सिंगल नोडल बैंक खाते में अर्जित केंद्रीय अंश ब्याज राशि को, केंद्रीय अंश की जो ब्याज राशि है उसको भारत सरकार के बजट मद में, और राज्य अंश की जो भी राशि उसकी जो ब्याज है उसको राज्य सरकार के बजट में वित्त मार्गोपाय विभाग के परिपत्र दिनांक 30/1/2023 के अनुसार जमा कराना सुनिश्चित करें। तो जो भी ब्याज का अंश राशि है उसको जमा कराना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अधीनस्थ IAs को आवंटित लिमिट राशि का उपयोग दिनांक 31/3/2023 तक या उससे पूर्व किए जाने के संबंध में निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें। यानी जो भी आपको अपने जो भी अधीनस्थ CBO कार्यालय या अन्य कार्यालय द्वारा जो भी आपको राशि आवंटित की गई है, जो भी सैंक्शन जारी की गई है, उस राशि का उपयोग आप 31/3/2023 से पहले पहले कर लें, क्योंकि उसके बाद में ये बजट है वो लैप्स हो जाएगा। तो ये अगर मान लो आप उपयोग नहीं करते तो ये लापरवाही की श्रेणी में भी आएगा और आपके जो बजट है वो भी लैप्स हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको यथासंभव यथाशीघ्र इस राशि का उपयोग करना है। अगला है SNA धारक बैंक खाताधारक बैंक और NIC के अधिकारियों के साथ मिलकर के योजना संचालन पोर्टल से किए गए समव्यवहारों के अंक मिलान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। अगला पॉइंट है योजना संचालन पोर्टल पर प्रदर्शित व्यय और रिलीज राशि का अंक मिलान PFMS रिपोर्ट से करें। यानी PFMS रिपोर्ट जब भी, इसके संबंध में अलग से एक वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको मिलान करना है। और अंतर राशि की अगर कोई सूचना है तो वो आप NIC को उपलब्ध कराते हुए रिकंसिलिएशन की कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ IAs को निर्देश प्रदान करावें कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में कार्यभार की अधिकता को मद्देनजर रखते हुए योजना अंतर्गत लंबित दायित्वों का भुगतान दिनांक 25/3/2023 तक किया जाना सुनिश्चित करें। यानी जो भी कार्य आपको करना है वो 25 तारीख तक कर लें। यानी आज जैसे 22 तो हो गई, कल 23 को वैसे चेटीचंड का अवकाश है, लेकिन कार्यालय का काम है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो जो 31 मार्च की तारीख नजदीक आएगी, पोर्टल पे SNA पोर्टल पे भी लोड बढ़ेगा, साइट पे भी लोड बढ़ेगा, बैंकों पे भी लोड बढ़ेगा, तो पेमेंट वगैरह में डिले हो सकता है, अन्य कई टेक्निकल समस्या आ सकती है, कई बार साइट या सर्वर प्रॉब्लम या साइट क्रैश भी हो जाती है बहुत ज़्यादा लोड हो, तो इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो आप यथाशीघ्र इन कार्य को पूरा करें। और जिन वेंडर्स बेनिफिशियरी को इस माह मार्च 2023 के दौरान भुगतान किया जाना है उन्हें PFMS वेंडर कोड अभी जनरेट किया जाना सुनिश्चित कराएं, ताकि इस कारण उनका भुगतान प्रभावित नहीं हो। यानी कि जिनको भी आप बेनिफिशियरी या वेंडर बनाना चाहते हैं उनको तुरंत आप बेनिफिशियरी वेंडर के ऐड करके मास्टर में जा करके उसको करें, ताकि यथाशीघ्र उसको PFMS कोड जारी हो जाए और उसको आप पेमेंट कर पाएं, क्योंकि बिना PFMS कोड जारी हुए आप किसी वेंडर को पेमेंट या बेनिफिशियरी को पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेस आप यथाशीघ्र करें, किसी अगर वेंडर को आपको बनाना है तो आप उसको यथाशीघ्र बना दें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी है कि वेंडर्स लाभार्थियों या कार्मिकों को किए गए भुगतान में से की गई आयकर या GST या TDS की कटौती या राज्य टैक्स से संबंधित कटौतियों को दिनांक 31/3/2023 से पूर्व जमा किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्य करें। यानी अगर आप किसी बिल में जो आयकर की कटौती करते हैं या जो GST की कटौती TDS की कटौती करते हैं, वो भी निश्चित समय के दौरान जो भी चालान वगैरह है जिस भी माध्यम से उसको जमा करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा योजना संचालन पोर्टल पे E-Advice के अंतर्गत प्रदर्शित सभी बिलों को दिनांक 31 तक प्रोसेस किया जाना सुनिश्चित करें। यानी आपने जो भी बिल एलोकेट कर दिया है तो उसको आप यथाशीघ्र बहुत जल्दी से जल्दी इसको प्रोसेस करें और 31 तारीख तक किसी भी हालत में किसी भी बिल को पेंडिंग नहीं रखें। वो प्रोसेस करके जो भी आप प्रोसेस जो बताया हुआ है, जैसे बिल एलोकेट कर दिया आपने लेकिन उसको प्रोसेस नहीं किया, तो वेंडर प्रोसेस करके उसको बिल फॉरवर्ड करें, क्योंकि अब सॉफ्ट कॉपी जनरेटर का ऑप्शन है वो हटा दिया है। वो आप जो भी प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट करें और वेंडर्स लाभार्थियों के बिल जो एजेंसी स्तर पर पेंडिंग है उन्हें दिनांक 25/3 तक SNA फॉरवर्ड किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश IA को प्रदान करें।
यानी 25 तारीख तक आपको हर हालत में कोई भी बिल है वो सारे है वो आपको वेंडर जो भी है वो एसएनए को फॉरवर्ड कर देने हैं, प्रोसेस कर देने हैं। और एसएनए खाता धारक विभाग एसएनए ई पेमेंट फाइलों की मॉनिटरिंग संबंधित बैंक से समन्वय करते हुए भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करें। बैंक स्तर पर पेंडिंग ई पेमेंट फाइल की सूचना मेल से बैंक को उपलब्ध कराएं। और लास्ट जो पॉइंट दिया हुआ है कि योजना संचालन पोर्टल से लाभार्थियों या वेंडर्स के बिलों की संख्या या ई पेमेंट फाइल्स की संख्या को नियंत्रित करने हेतु आईएएस को एक बिल के अंदर मल्टीपल वेंडर से बेनिफिशियरी के बिल बनाए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए जाएं। यानी कि ये भी कहा गया, और वैसे इसके लिए अलग से एक आदेश भी आया था कि जो भी जैसे मान लो एक ही कोई वेंडर है उसको आप अलग अलग पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप उसको एक ही बिल में सारे पेमेंट कर लें। जैसे मान लो 3-4 बिल उसके हैं तो एक ही बिल में सारी चार्ज जोड़ करके वो पेमेंट कर लें। या मान लो कोई एक ही हेड है या कंपोनेंट है उस कंपोनेंट से संबंधित जितने भी बिल है उनको एक ही बिल में आप शामिल करें ताकि बिलों की संख्या कम से कम होगी तो बैंक पे भार कम पड़ेगा और आपका भी काम आसान होगा, बैंकों का काम आसान होगा और योजना है वो अच्छे तरीके से चल पाएगी। और इसके संबंध में मैंने एक जो जैसे 3 व्याख्यातों को जो एक ही साथ बिल बना करके मैंने प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से आपको मल्टीपल वेंडर्स या मल्टीपल बेनिफिशरीज का बिल बनाना है उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो निर्देश थे निदेशक वित्त बजट की तरफ से ये जारी किए गए, तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।